जनवरी के दा में देखेंगे हमें क्या क्या आज पढ़ना है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज पे दो है ये देखेंगे इसमें है ट्वेंटी वन अंडमान आइलैंड नेम आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज तो जो परमवीर चक्र अवार्डीज हैं उनके नाम पे इक्कीस अंडना इक्कीस अंडमान जो अंडमान आइलैंड है उनका नाम रखा गया है तो उस पर एक आया हुआ है उसको हम देखेंगे ठीक है तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे नेम द ट्वेंटी फर्स्ट लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड इन अंडमान निकोबार आर के पे लॉगी आफ्टर ट्वेंटी वन परमवीर चक्र अवार्डी तो जितने भी इक्कीस परमवीर चक्र अवार्डी हैं उनके नाम पर रखा गया है अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है उनके नेम को ठीक है मोदी पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी uh, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अनवील्ड अ मॉडल ऑफ नेशनल मेमोरियल डेडिकेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ये मेमोरियल memori उन्होंने डेडिकेट किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दैट इज टू बिल्ड ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप क्या रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप ठीक है होम मिनिस्टर अमित शाह वॉज प्रजेंट इन पोर्ट बेलियर एट कुलिमिनेशन ऑफ सेवन डे इवेंट ऑर्गे बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन ऑनर ऑफ़ नेताजी ही दैट वन वन ट्वेंटी सिक्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी इज बींग सेलिब्रेटेड नेशन वाइड वाइडस परम पराक्रम दिवस तो ट्वेंटी सिक्स बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की और इसको सेलिब्रेट कैसे किया गया पराक्रम दिवस के रूप में और इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको एक, आ, मतलब पराक्रम दिवस के रूप में बनाया गया तो ये चीज़ हमारा इम्पॉटेंट है ठीक है और मैं अभी आपको ये भी बता दूँगी कि वो कौन से ट्वेंटी वन आईलैंड हैं जिनका नाम रखा गया और वो नेम क्या क्या है ठीक है अब यहाँ पे फर्स्ट पे ही एक और है टू स्टूडेंट इन केरला इन्फेक्टेड विथ नोरोस अब एक नया वायरस सुनने में आया कौन सा आ रहा है नोरो वायरस इसके बारे में देखेंगे नोरो वायरस इन्फेक्शन वॉज कन्फर्म इन टू स्कूल चिल्ड्रेन इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट इवन एज हेल्थ अथॉरिटीज़ इन केरलांटेन इट्स इस्प्रेड मतलब उसको स्प्रेड को रोकने के लिए वो जो केरला अथॉरिटीज़ हैं केरला की वो लोग वहाँ पर कर रहे हैं चीज़ें द इन्फेक्शन वॉज कन्फर्म इन टू चिल्ड्रन ठीक है जो क्लास फर्स्ट और सेकेंड के दो चिल्ड्रन थे उनमें देखा गया है उनका नाम दिया गया है तो स्कूल uh, का नाम दिया गया है तो ये नहीं पूछेंगे बस आपको ये जानना है कि नोरो वायरस आया है और फर्स्टली uh, कहाँ पे ये uh, पता चला नोरोवायरस के बारे में केरला में नोरोवायरस इज़ मोस्टली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फ़ूड किससे फैलता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से और इसका सिम्टम होता है वोमिटिंग आती है और डायरिया ये इसके सिम्टम है वोमिटिंग और डायरिया इसके सिम्टम है हेड और बॉडी एच करती है हेड एंड बॉडी एचिस और uh, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने इस बारे में बताया सिक्सटी टू चिल्ड्रंस एंड अ फ्यू पेरेंट्स हैड अर्लियर एग्जिबिट सिम्टम ठीक है थ्री स्टूडेंट आर अंडर थ्रेट अंडर ट्रीटमेंट देयर कंडीशन इज से टू बी स्टेबल और तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंडर uh, ट्रीटमेंट है तो आप देख रहे हो लगातार कोई ना कोई वायरस देखने में मिलता है तो अभी कौन सा हो गया नोरो वायरस देखने को मिला फिर हम आगे आएंगे आगे देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है नेक्स्ट हमारा है नीडेड अ फ्यू अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स तो डेटा प्रोटेक्शन की बात की जा रही है माइनर्स के लिए ठीक इस है इसमें है हाउ फ्रीली शुड इंडियन टीन एजर एक्सेस द इंटरनेट एंड वॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू प्लेटफॉर्म हैव टू बर्थ देर माइनर यूजर्स दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर करेक्टली टू अचीव इंडियाज डिजिटल एम्बिशन अब देखो ये बहुत ही कंसर्न का कंसर्न है इस चीज को लेके और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये देखने के लिए क्योंकि आजकल स्मार्टफोन सबके घर में है और बहुत ज़्यादा है और आपने मोस्टली देखा होगा आपके घर में छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो अभी बोल भी नहीं पाते हैं सही से वो उनको ये होता है कि खाना खाते वक्त उनको फोन फ़ोन में कुछ देखते रहना है यही आदत पड़ी रहती है फिर आगे उनको मतलब होता नहीं कि कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए या कुछ क्राइटेरिया uh, होनी चाहिए वरना सोशल मीडिया पे हमेशा अच्छे ही कंटेंट नहीं आते हैं ऐसे भी कंटेंट आते हैं जो बच्चों को नहीं देखने चाहिए तो इस सबसे रिलेटेड एक कंसर्न है और डेटा प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है तो यहाँ पे बात की जा रही है द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ट्वेंटी ट्वेंटी करेंटली प्रोवाइड फॉर मैंडेट्री पेरेंटल कंसेंट पेरेंटल कंसेंट का मतलब कि पेरेंट्स की इजाज़त होनी चाहिए फॉर ऑल डेटा प्रोटेक्स ऑल डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ बाई चिल्ड्रेन डिफाइन एज एनी चिल्ड्रेन एज अंडर एटीन ईयर्स जो भी बच्चे जिनकी uh, उम्र अट्ठारह से कम साल की है तो उनको पेरेंट्स के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी दिस अप्रोच हाउ एवर मिस इज़ द मार्क ऑन टू फ्रंट तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं गैप क्या है बिल में फर्स्ट इंस्टेड ऑफ इंसेंटिवाइजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोएक्टिवली बिल सेफ़र एंड बेटर सर्विसेज क्या करना है सेफ़र और बेटर सर्विसेज करने की बात यहाँ पे चल रही है ठीक है पेरेंट टू ग्रांट कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल केसेस की पेरेंट की कंसेंट की ज़रूरत है अगर बच्चा अट्ठारह साल से कम है इन अ कंट्री विथ लो डिजिटल लिटरेसी वेयर एज पेरेंट इन फैक्ट ऑफ एंड रिलाई ऑन देयर चिल्ड्रन आप देखो ये बहुत ही करेक्ट बात यहाँ पे लिखी गई है कि डिजिटल लिटरेसी लो होने की वजह से जो भी पेरेंट्स हैं वो समाइम जो स्मार्टफोन में चीज़ें हैं जो फीचर्स हैं वो नहीं समझ पाते बल्कि उनके बच्चे ही उनको सिखाते हैं ठीक है तो ये भी एक कंसर्न है टू हैव दैम नेविगेट द इंटरनेट दिस इज़ एन इनफेक्टिव अप्रोच टू कीप चिल्ड्रन सेफ फॉर ऑनलाइन और ये क्या हो जाता है एक इफेक्टिव अप्रोच हो जाता है कि चिल्ड्रन को सेफ़ रखा जाए ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं उनसे सेकेंड क्या है इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द बेस्ट इंटरेस्ट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन तो जो इंटरेस्ट है चिल्ड्रेन की वो देखने की ज़रूरत है स्टैंडर्ड ऑरिजिनेटिंग इन द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड नाइनटीन एटी नाइन टू विच इंडिया इज़ सिग्नेटरी इंडिया हैज़ अप held this standard in law such as commission for protection of child right act 2005 right of children to free and compulsory education act 2009 and protection of children from sexual offense act 2012 however it has not been applied to issue of data protection the bill does not factor in low teenage users use various internet platform for self-expression and पर्सनल डेवलपमेंट एंड हाउ सेंट्रल इज़ टू बी एक्सपीरियंस ऑफ एडोलिसन दीज डे तो मतलब देखो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द टीन जो हैं वो एक्टिव uh, होते हैं ऑनलाइन मोस्टली ठीक है mostly, और बहुत ज़्यादा uh, यहाँ पे दो तीन राइट्स uh, के बारे में बताई गई है चाइल्ड राइट्स के बारे में और साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है फ्राम टेकिंग म्यूजिक लेसन टू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर फार्मिंग कम्यूनिटीज़ अब देखो अगर म्यूज़िकसन उनको लेना है प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन अब हर चीज़ तो ऑनलाइन हो गई है पहले क्या होता था कि फिजिकल क्लासेस चलती थीं अभी तो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है तो कितना आप ऑनलाइन मतलब आने से बच्चों को रोक पाएंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ रही हैं आजकल पीपल ऑफ़ सिमिलर वर्ल्ड वाइफ द इंटरनेट इज अ विंडो टू द वर्ड कि मतलब आपको वर्ड से कनेक्ट होना है तो आप इंटरनेट पे होना इंटरनेट आपके पास होना जरूरी है वाइल द बिल डज नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एग्जामिशन इन द फ्यूचर फॉर स्ट्रिक्ट पेरेंटल कंसेंट रिक्वायरमेंट प्रोफाइलिंग ट्रैफिकिंग प्रोविजन एक्सेट्रा दिस दिस वाइडलिसटिंग प्रोसेस डज नॉट एक्नोलॉज द बर ब्लरिंग लाइन्स बिटवीन वॉट आ प्लेटफॉर्म कैन यूज़ फॉर फॉर एक्जाम्पल इंस्टाग्राम इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बट इज़ रेगुलरली यूज़ एंड एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट टूल बाई बिलियन ऑफ आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड इसका एग्जाम्पल आप देख लो कि इंस्टाग्राम की बात की जाए तो बहुत सारे बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट जो हैं अराउंड द वर्ल्ड वो उस पर एक्टिव हैं ठीक है और अभी तो यूट्यूब पे भी आप देख लो बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हैं ब्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें करते हैं ठीक है यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा अनदर इशू इन द करेंट ड्राफ्ट ऑफ द डी DP bill बिल that each platform प्लेटफॉर्म विल हैव टू verifiable parental consent. कंसर्न तो बार बार वेरीफीएबल पेरेंटल कंसर्ट की बात यहाँ पे आ रही है पर उन पेरेंट्स का क्या कि जिनको नॉलेज नहीं है उतनी डिजिटल चीज़ों की उतनी फ़ोन की तो वहाँ पे तो कंसेंट भी अगर आपको लेना होगा पेरेंट्स का तो आप बोल दोगे कि ये तभी चल पाएगा अगर आप ऐसा ऐसा करना पड़ेगा पेरेंट के कंसेंट में तो उनको समझ में अगर नहीं आएगा तो वो बोल देंगे कि हाँ अपने हिसाब से कर लो ठीक है दिस प्रोविज़न इफ इन फोर्स स्ट्रिक्टली कैन चेंज द नेचर ऑफ इंटरनेट एज वी नो इट सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल इफ़ द यूज़र इज़ माइनर विदाउट कन्फर्मिंग देयर इज प्लेटफॉर्म विल हैव टू वेरीफाई द एज ऑफ एवरी यूज़र तो ये कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म को वेरीफाई करना होगा यूज़र को क्योंकि कौन चला रहा है ये चीज़ तो नहीं पता चलेगी ठीक है कि वो माइनर है कि नहीं द गवर्नमेंट विल प्रस्क्राइब लेटर वेदर वेरीफिएबिलिटी विल बी बेस्ड ऑन आई डी प्रूफ और ये कहा जा रहा है कि उसमें आई डी प्रूफ लगाने की जरूरत पड़ेगी और फेसियल रिकॉग्निशन और रेफरेंस बेस्ड वेरीफिकेशन और सम अदर मीन्स अब देखो अभी इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं ठीक है फेसियल रिकॉग्निशन आई डी प्रूफ ये सारी चीज़ें फिर बात उठेगी कि होती नहीं कि पर्सनल लिबर्टी का क्या ठीक है ये सारी बातें तो हमेशा चलती रहने वाली है ठीक है अब यहाँ पे क्या है सर्वे नीडेड क्या क्या सर्वे नीडेड है ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा एक आया हुआ है इंडियन चैप्टर फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी मतलब तो फॉरेन यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आ, आना यू के थ्रू और क्या क्या गाइडलाइंस होंगी ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं नेक्स्ट हमारा टेस्ट एंड कॉन्टेक्सट में आया है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यू ऑल नो इट ठीक है सब एस्पिरेंट ये जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अभी आ गया है न्यूज़ में तो और चांसेस बढ़ जाते हैं हालांकि वैसे भी आता है हमेशा हमारे एग्ज़ाम में क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंशन है और लक्ष्मीकांत में सब ने तो कवर किया ही हो पॉलिटी में ठीक है अब देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है तो आपको पता ही है कि केसवरंद भारती जजमेंट जो है पार्लियामेंट कै नॉट यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन पावर अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहा गया कि पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती पार्लियामेंट कैन नॉट यूज़ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को यूज़ नहीं कर सकती अल्टर करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इशेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कि बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंड नहीं कर सकती ये बात बोली जा रही है तो अच्छा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर किए होंगे वहाँ पर क्या आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है पर आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है उसको डिफाइन नहीं किया गया है ये पता होना चाहिए आपको ऐसे सारी चीज़ें घुमा के बोलता है पूछता है द पार्लियामेंट एज सीनियर एडवोकेट नानी पलखी वाला से कैन नॉट सीज टू बी क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब ये आपको पता चलना चाहिए किसवानंद भारती केस से बात हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर की फिर ट्वेंटी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट ने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया थर्टी वन सी और इसमें क्या हुआ डी पी एस पी की बात की गई डी पी एस पी आर्टिकल थर्टी नाइन बी और सी ठीक है और फिर इसके बाद हमारा बात यहाँ पे किया गया है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमक और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग स्पिरिट तो ये आंसर में हम लिख सकते हैं कि ये एक लिविंग स्पिरिट है होल्डिंग ऑफ द बॉडी ऑफ इट्स टेस्ट इट इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये लाइन हम लिख सकते हैं कि ये क्या है सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सोल है और इसमें कहा गया है कि इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू द वैल्यू इन श्राइंड इन दिय प्रियम्बल विदाउट विश डॉक्यूमेंट एंड द आइडिया डैट मेक इट सेकेट वुड कोलेप्स तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात पूरी अच्छे से की गई है यहाँ पे देखो आप ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टराइन की किस तरीके से केसवानंद भारती जजमेंट में क्या बोला गया है ठीक है और ये एक लिविंग स्पिरिट है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं अब यहाँ पे देखो एक बात हो जा रही है कि ग्रेनवेल एस्टिन ने क्या कहा है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज फेयरली सेड टू हैव बिकम द बेड रॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन इन द इंडिया तो उन्होंने ये चीज़ बोली है ठीक है अब यहाँ देखो डिफरेंट जजेस ऑफ द डिफरेंट जजेस ऑफ द केशवानंद ऑन द केशवानंद भारती बेंच गिव डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सब ने अपना अपना एग्जाम्पल दिया बेसिक स्ट्रक्चर का केसवानंद भारती केस में क्या बात की जा रही है इसमें सिंस देर इज़ नो साइन पो सिल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी टू एग्जम बेसिक तो मतलब कुल मिला के यही कहा जा रहा है कि बेसिक फीचर जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वो अपना जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट पावर यूज़ नहीं कर सकती और कोई भी चीज़ जो बेसिक स्ट्रक्चर को वाले मतलब ख़त्म कर रहे हैं या इफ़ेक्ट पहुँचा रहे हैं तो ऐसी चीज़ें आ, रोक रही है करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ठीक है गोलकनाथ केस वर्डिक्ट है द गवर्नमेंट स्मार्टिंग प्राइमरी अंडर द सुप्रीम कोर्ट गोलक गोलकनाथ वर्डिक्ट है उसमें क्या कहा गया विच अपहेल्ड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक है तो क्या करता है अपहेल्ड करता है जुडिशियल रिव्यू uh, करने के लिए यहाँ पे एक चीज और बात की जा रही है गोलकनाथ जजमेंट इंटरप्रेटेड द टर्म लॉ इन आर्टिकल थर्टीन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ठीक है तो वो आर्टिकल थर्टीन की बात यहाँ पे कर रहा है और इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई हैं मेंशन की गई हैं पूरा ये पूरा आर्टिकल आ, जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं ठीक है थीके? यहाँ पे एक देखो बात हो रही है नाइनटीन एटी कोर्ट वंस अगेन सेड यूज द बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूला इन मिनरवा मिल चैलेंज फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट टू अप जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट तो किस बात की बात ये है प्रोटेक्ट करने की बात की गई है फंडामेंटल राइट right को क्योंकि कहा जा रहा है कि ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर है ठीक है तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में है, the dark sky is a और यहाँ पे कहा जा है, uh, reserve, uh, dark, तो रहा है रिजर्व है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप स्काई डार्क पर्टिकुलरली फॉर द एस्ट्रोनोमिकल ऑब्जर्वेटरी तो यह कहा गया है कि डार्क uh, रखने की बात की जा रही है क्योंकि इससे यह कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रही है ठीक है देखो यहाँ पे स्काई ग्लो की बात की जा रही है इसमें न्यू स्टडी में पाया गया है सिटीजन साइंटिस्ट रिपोर्ट ग्लोबल रैपिड रिडक्शन इन विजिबिलिटी स्टार फ्रॉम इलेवन टू ट्वेंटी टू यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि मतलब uh, इन्होंने फाउंड किया है नॉन नेचुरल लाइट हैड इंक्रीज ब्राइटनेस ऑफ द आर्टिफिशियल ग्लो ऑफ नाइट स्काई और इसकी वजह से जो भी स्पेसीज़ हैं जो भी चीज़ें हैं उनको अफेक्ट पहुँच रहा है उसकी बात की जा रही विजबल लाइट इमिटेटेड बाई मेनी सोर्सेज इज डाइवर्शन सो लाइट इमिटेड इन ठीक है और सिचुएशन uh, इंडिया में क्या है uh, यहाँ पर देखो द स्टडी हैड ओनली अ फ्यू ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एशिया साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका की बात यहाँ पर की गई है ठीक है तो ये पूरा हाँ इसमें कुल मिला के ये बातें की जा रही हैं कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं उसकी वजह से बहुत सारे हमारे स्पेसीज़ हैं ठीक है जिनको क्या होता है इफ़ेक्ट पहुँचता है और वो सही से मतलब उनको ये यहाँ पे देखो

गेव पी एम नेशनल अवार्ड टू इलेवन चिल्ड्रेन तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने मंडे को क्या किया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है दो हजार तेईस का ग्यारह चिल्ड्रन को तो इसके बारे में बात किया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात की जा रही है आई वगीर के बारे में फिफ्थ स्कॉर्पीन सबमरीन है ठीक है जो जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है इसमें है फिफ्थ स्कॉर्पिन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन बॉस कमीशन इंटू इंडियन नेवी ये कमीशन का लिया गया है इंडियन नेवी में और, और ला सिक्स और लास्ट फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पिन स्कॉर्पिय सबमरीन जो था वागशीर वो बिल्ट हुआ है इंडिया में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू और करेंटली ऑन गोइंग सी ट्रायल चल रही है उसकी और वो क्या हो जाएगा डिलीवर हो जाएगा नेवी को दो तक तो इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ बात की जा रही है नेवी के पास अभी सोलह कन्वेंशनल और एक न्यूक्लियर सबमरीन है ठीक है क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में बात की जा रही है वगीर विल बी थर्ड सबमरीन इंडक्टेड इन टू द नेवी इन शॉर्ट स्पैन ऑफ ट्वेंटी फोर मंथ ठीक है तीसरा ऐसा सबमरीन है जिसको इंडक्ट किया जा रहा है नेवी में इतने शॉर्ट स्पैन जैसे ट्वेंटी फोर मंथ्स में तो ये सारी चीज़ें थी ठीक है एग्रीमेंट रीच ऑन ए आई पी मॉड्यूल ए आई पी मॉड्यूल के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है ये देखेंगे क्या है इसे बात की जा रही है इन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट विल इनहस द ऑफ स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सब मरीन ऑफ इंडियन नेवी डिफेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी आर डी ओ नेवल ग्रुप हैज रीच एन एग्रीमेंट टू फिट इंडिजिनस फ्यूल सेल बेस्ड एयर एयर इंडिपेंडेंट प्रपलसन ए आई पी की बात की जा रही है मतलब डी आर डी ओ ग्रुप ठीक है फिट फॉर इंडिजनस फ्यूल सेल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन की बात यहाँ पे की जा रही है सिटम और आई एन एस कुलवरी सोन द ए आई पी हैज़ बीन डेवलप्ड बाई डी आर डी ओ नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी एंड लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप हैज बीन टेस्टेड तो यहाँ पे ए आई पी मॉड्यूल की बात की जा रही है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमको डिस्कस करनी थी हमारे एग्ज़ाम के लिए थैंक यू सो मच मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ